हेलो दोस्तों, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है, यानी चल रहे हैं। आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और अभी तक यहाँ पर सिलेबस और सीट की जो डिटेल है, किन सब्जेक्ट्स में कितनी सीटें अवेलेबल है, ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ था। तो अब उन्होंने रिलीज कर दिया है सिलेबस भी और सीट भी। तो वन बाय वन हम पूरी जानकारी इसकी देखेंगे। और आपका जो एडमिशन है, अगर आपका नेट सेट नहीं भी है, तब यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बेसिस पर आपका जो है यहाँ पर एडमिशन होगा। तो चलते हैं, हम पूरी जानकारी देखेंगे। पहले तो हम देख लेंगे इसका इंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है एप्लीकेशन का, वो कितने दिन तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। देखिए, ये नोटिस आया था, ये अक्टूबर में आया था, 29 अक्टूबर को। तो देखिए, यहाँ पर 15 नवंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो, यानी अभी तक 4 से 5 दिन तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। और जिनका यहाँ पर यानी सबमिट हो गया है एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पर कोई आपका प्रॉब्लम आया है, कुछ इश्यू आया है आपका नाम वगैरह, तो 16 से 17 तक ये एडिटिंग यानी करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम इसका सीट की डिटेल, और यहाँ पर है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पर आपका टाइप आएगा बैचलर, यहाँ पर आपको पीएचडी करना है, और सेलेक्ट कोर्स, यहाँ पर पीएचडी आपने कर लिया, यहाँ पर कैप्चर कोड डाल दिया आपने, तो ये इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, लिंग्विस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इस इन सब्जेक्ट्स की यहाँ पर जो है सिलेबस आ गया है। और अभी और भी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर जो है सिलेबस आ जाएगा। तो देखिए, ये सीट है, इस सीट को हम देखेंगे। पहले तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एजुकेशन का हम देखेंगे सिलेबस। तो देखिए, यहाँ पर एजुकेशन के लिए पेपर वन रहेगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च। उसमें ऑब्जेक्टिव दिए है, यूनिट वन रहेगा रिसर्च मेथड, इसमें रहेगा एक्सपेरिमेंटल, एक्सपो फैक्टो, सर्वे, नॉर्मेटिव, को रिलेशन, इवेल्यूटिव, इंथोनोग्राफिक, इथनो मेथोडोलॉजिकल, ग्राउंडेड थेरी, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथड रहेगा, सैम्पलिंग टेक्निक रहेगा, टूल्स एंड टेक्निक रिसर्च रहेगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यूनिट फाइव रहेगा, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, एनोवा टेस्ट, ची टेस्ट, काय टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पर जो है ग्लोबल ऑनलाइन पर इसका पूरा कोर्स हमने लॉन्च किया है। जैसे कि आपको पता है, सब फैकल्टी जो है, सब फैकल्टी का एक ही होता है। देखिए, यहाँ पर जो है सोशल वर्क का देखेंगे हम, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें भी सेम रहेगा, मेथड इन सोशल रिसर्च, सैम्पलिंग यूनिट थर्ड देखेंगे आप, तो सैम्पलिंग डिजाइन एंड टूल्स, डाटा कलेक्शन, स्टैटिकल टेक्निक एंड एनालिसिस, तो ये रिसर्च के टॉपिक है। और इसके बाद यहाँ पर आपका सेकेंड सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको दिखेगा। के बाद यहाँ पर है एजुकेशन का, इसके नीचे आ गया, तो फिर उसके नीचे रहेगा आपका एजुकेशन का सिलेबस, ये रहेगा एजुकेशन का सिलेबस, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, ये ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद यहाँ पर आपका शुरू हो जाएगा, सेकंड रहेगा सोशल ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह से ये सभी जानकारी इस वेबसाइट पर है, तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो। उसके बाद ग्लोबल ऑनलाइन पर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको ये 50% पूछा जाता है, तो इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर पूरा कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर जो है हर एक टॉपिक, हर एक आपका यूनिट आपको प्रिपेयर किया जाए, करवाया जाएगा। उसके बाद 10 फुल सिलेबस आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव नोट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, 10 आपको यहाँ पर MCQs क्वेश्चन बैंक विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो कोर्स है, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी फीस जो है ये 899 फीस है, हमारी गारंटी रहती है अगर आप हमारा कोर्स आप लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर आप करोगे। इसके पूरी जानकारी यानी आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन किया है, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए जिनको यहाँ पर सीरियसली पीएचडी करना है। जामिया एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हो। सेकेंड पेपर के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है।
तो जितने भी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं उतने सब्जेक्ट के यहाँ पर नोट्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसकी जो फीस है ये 999 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से ये था पूरा जानकारी। उसके बाद हम देखेंगे सीट कितनी है, किन सब्जेक्ट से कितनी सीट अवेलेबल है और आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका डिटेल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होता है तो सेम ही जैसे कि मास्टर डिग्री में आपको 55% होना चाहिए और जिनका बैचलर है उनके लिए 75 होना चाहिए बैचलर डिग्री 4 ईयर का। इस तरह से रहता ही है। देन यहाँ पर देखेंगे हम सीट, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो देखिए बहुत सारी सीटें निकल के आई है यहाँ पर। डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड काउंटिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, यहाँ पर 12 सीटें अवेलेबल है इसकी। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज के लिए 31 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 25 सीटें अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर 20 सीटें हैं, साइकोलॉजी के लिए 21 सीटें हैं, सोशल वर्क के लिए 32 सीटें हैं, सोशियोलॉजी के लिए 14 है, कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस गवर्नेंस इसके लिए 8 सीटें हैं, कॉम्पिटेटिव रिलीजियंस के लिए यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है, इंडियन अरब कल्चर के लिए 7 सीटें हैं। उसके बाद देखेंगे हम डॉक्टर आर के नारायण सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज के लिए 2 सीटें हैं, नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए 22 सीटें अवेलेबल है, सेंटर फॉर द स्टडी सोशल एक्सक्लूजिव एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजिव पॉलिसी के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं, एकेडमिक MMAJ एकेडमी इंटरनेशनल स्टडी के लिए 8 सीटें अवेलेबल है, सेंटर फॉर वेस्ट एशिया एशियन स्टडीज के लिए 16 सीटें अवेलेबल है, सेंटर फॉर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्टडीज पॉलिसी रिसर्च के लिए 5 सीटें अवेलेबल है। और ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए नहीं है। AJ के मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर के लिए 18 सीटें अवेलेबल है यहाँ पर, ये फैकल्टी ऑफ, उसके बाद बी है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज के लिए। देखिए अरबिक के लिए 13 सीटें हैं, हिंदी के लिए 25 सीटें अवेलेबल हैं, इंग्लिश के लिए यहाँ पर 17 है, इस्लामिक स्टडीज के लिए 6 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद पर्शियन के लिए 11 सीटें हैं, उर्दू के लिए 12 सीटें हैं, संस्कृत के लिए 1 है, हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए 13 सीटें हैं, फॉरेन लैंग्वेज के लिए 26 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद सी रहेगा फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेस 25 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 11 है, यहाँ पर फिजियोथेरेपी साइंस के लिए 14 सीटें हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज के लिए 7 है। उसके बाद सेंटर फॉर इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस, बेसिक साइंस में आता है केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीटें दी है जैसे कि केमिस्ट्री के लिए 6, लाइफ साइंस के लिए 12, कंप्यूटर साइंस के लिए 2, मैथ के लिए 3, फिजिक्स के लिए 1। इस तरह से ये सीटें दी है। इसके बाद है फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस में केमिस्ट्री के लिए नहीं है, कंप्यूटर साइंस के लिए 21 है, ज्योग्राफी के लिए 32 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स उसके बाद अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इसके लिए अलग अलग सीटें दी है 13 और 2। फिजिक्स के लिए 36 सीटें अवेलेबल है, थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए 8 है, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 10 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्यूस्टिक्स, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 42 यहाँ पर जो है सीटें अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन के लिए 7 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडी में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 8 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में फाइनेंस के लिए 4 सीटें हैं, मार्केटिंग के लिए 8 है, HR ह्यूमन रिसोर्स के लिए 2 सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में।
बाद और भी सीटें दी गई है यहाँ पर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है उनके लिए। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 7 सीटें है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए 11 है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर जो है 7 है, अप्लाइड इंग्लिश अंडर अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए 2 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के लिए 6 है, वाटर रिसोर्स के लिए 13 सीटें है, जीआईएस रिमोट सेंसिंग के लिए 6 सीटें है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए 10 है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 12 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 8 है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम के लिए 26 है, पावर इलेक्ट्रॉनिक के लिए 6, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 सीटें है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 12 सीटें है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसके लिए 6 है, और बायोमेडिकल के लिए यहाँ पर सीटें नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 42 सीटें अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 19 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 88 सीटें हैं। तो देखिए बहुत सारी सीटें यहाँ पर निकल के आई है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन स्टडी के लिए 36 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 44 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट एप्रिसिएशन के लिए 3 सीटें है, आर्ट एजुकेशन के लिए 12 है, फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए 25 सीटें अवेलेबल है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है लगभग हजार हजार से ज्यादा सीटें अवेलेबल है। तो स्टूडेंट जल्द से जल्द यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो आप, और जो भी यहाँ पर स्टडी यानी सीरियसली यानी PhD करना चाहते हैं, तो पेपर 1 जो है सबके लिए सेम होता है और सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये अननोन होता है। जैसे कि लाइफ साइंस और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये अननोन रहता है, तो इतना नॉलेज नहीं होता है उन लोगों को। तो ये आप कोर्स ज्वाइन करके आप अच्छा खासा इसमें स्कोर कर सकते हो, और आपका जो एडमिशन है वो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन अभी खुला है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन राइट साइड में, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन विल बी लाइव फ्रॉम 10 अक्टूबर टू 15 नवंबर तक आप एप्लीकेशन यहाँ पर जो है कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप बेझिझक PhD कर सकते हो, और आपका फ्यूचर में इसका यानी वेटेज भी ज़्यादा ज़्यादा रहता है, यानी वैल्यू ज़्यादा रहती है। इस तरह से आज की अपडेट थी, पूरा जो पूरी जो जानकारी थी वो मैंने दे दी है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है और किस तरह से होगा, तो ये आप यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो। इस तरह से स्टूडेंट ये अलाइल सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप अलाइल सब्जेक्ट यानी किन सब्जेक्ट से किन आप अलाइल सब्जेक्ट में, अगर आपका मास कम्युनिकेशन है तो यहाँ पर आप सोशल स्टडी एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस तरह से भी होता है स्टूडेंट, बहुत सारी सीटें हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये अलाइल सब्जेक्ट का उन्होंने अलग से PDF दिया है, और यहाँ पर आके पूरी जानकारी देख सकते हो आप। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में इसका लिंक दिया है, तो आप भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो। और किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये पूरी जानकारी दी है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद डिटेल आपको भरना है, और तीनों लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश में दिया है, जो आपको कंफर्ट है उसमें आप यहाँ पर रीड करके एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते हो। थैंक यू, आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपकी यानी कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।